चाचा कोई कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, चप्पल नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, बस वो आ रहे हैं। हाँ कोई नहीं बेबी, अभी आप सीधा रहो तो बोलते हैं कि इसको फनी नहीं बनाना है, ठीक है। क्या करना है? अभी मैं सिखाने वाली हूँ कि छोटे बच्चों से कैसे चक्रासन करवाया जाए। तो पहले आप बच्चे को अच्छे से लिटा दो और ये दोनों पंजे इस तरीके से इतना पैर लेकर आइए रिदम, इनको ऐसे करो बेटा इस तरीके से, ठीक है। और आपको ना सांस भरना है अंदर, टेक अ डीप ब्रीथ, ओके, और धीरे धीरे सांस भरिए। आप थोड़ा अपने हाथ से ना पहले पकड़ के रखो, क्योंकि बच्चों की हैंड की मसल इतनी है, ये सब रखो, टच लेग को उठाना नहीं है, ठीक है। और कुछ देर के लिए आप ऐसे ही रहो और फिर बेबी एक्सहेल, सांस छोड़िए और वापस चल जाइए। शुरुआत में आप बच्चों से ऐसे ही करवाइए बेटा, अभी नहीं हुआ, अभी दोबारा से करना है, ठीक है। फिर से पैर को पास में लेके आइए, ठीक है, इस तरीके से रखिए और सांस भरिए। वेरी गुड, उठाओ। वो गलती से एक बार हिल गया रिदम, थोड़ा बेटा हैंड पे अपना रखो ना वजन, मम्मी थोड़ा ना करवाएगी हमेशा, हैंड को अच्छे से, हैंड पे अपने आपका वेट लो हैंड के ऊपर, हैंड के ऊपर वेट लो बेटा, इससे कुछ नहीं हो रहा। फिर तुझे बच्चे ना एक्चुअली हैंड के ऊपर वेट नहीं ले पाते तो काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये फिर भी ले रहा है, तो ये फर्स्ट डे है इसका। आप भी इसी तरीके से करवाइए, लेकिन पहले अब बच्चों को अच्छे से सपोर्ट दीजिए अपना, क्योंकि उनकी मसल्स काफी वीक होती है, तो उनको थोड़ा हाँ बेटा ठीक कोई नहीं, वेरी गुड हो जाएगा, शुरुआत में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये आज मैंने बच्चों को चक्रासन करना बताया, आप भी इसी तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए और इस चैनल से जुड़िए कि किस तरीके से हम योगा करें और किस तरीके से हम आसन करें, जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें नहीं आता है तो वो यहाँ सीख सकते हैं अच्छे से। और आपको जैसे वीडियो चाहिए वैसा प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, फिर मिलती हूँ नई वीडियो में बहुत जल्दी। जब तक के लिए आप योगा करते रहिए, खुश रहो, स्वस्थ रहो, बाय, टेक केयर।